महाराष्ट्र महान संतों की भूमि है। पालखी उत्सव हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है जिसे महाराष्ट्र के संतों ने शुरू किया था। उसके अनुयायियों को वारकरी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के हिंदू देवता विठोबा की पंढरपुर में स्थापित मूर्ति को सम्मान देने के लिए जाने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा है। ये विभिन्न संतों, विशेष रूप से संत ज्ञानेश्वर एंड तुकाराम महाराज की पादुका लेकर पालखी चलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आलंदी से तो तुकाराम महाराज की पालकी देहू से शुरू होती है। यह पूरी प्रक्रिया ज्येष्ठ माह से शुरू होकर आषाढ़ माह के पहले पहर के 11 दिन तक कुल 22 दिन चलती है। पंढरपुर पहुंचने पर भक्त विठ्ठल मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व चंद्रभागा नदी में डुबकी लेते हैं। भगवान विठ्ठल को विठोबा या पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विठ्ठल की मूर्ति बहुत आकर्षक है, जिसमें भगवान ईंट के ऊपर कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विठ्ठल की कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे संत पुंडलिक। संत पुंडलिक अपने माता पिता के भी परम भक्त हैं और हमेशा माता पिता की सेवा में लीन रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने संत पुंडलिक को दर्शन देने के लिए उनके घर आए। उस समय संत पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने व्यस्त थे कि उनको भगवान के आने का पता न चला। और जब भगवान श्री कृष्ण ने संत पुंडलिक को पुकारा, तब संत पुंडलिक ने एक वीट भगवान की ओर रखते हुए भगवान को बोला कि आप इस वीट पे मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ऐसे बोलकर वह फिर से माता पिता की सेवा में लग गए। संत पुंडलिक के सेवा की भावना से खुश होकर श्री कृष्ण ने कमर पे हाथ रख इस ईंट पे खड़े हो गए। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने संत पुंडलिक को वरदान मांगने के लिए कहा, तब पुंडलिक ने उनको इसी रूप में हमेशा रहकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निवेदन किया। इस निवेदन को भगवान ने स्वीकार किया और ईंट पे स्थापित भगवान की इसी मूर्ति को इसी कारण विठ्ठल कहा जाता है। संत पुंडलिक के वजह से यह स्थान पुंडलिकपुर कहलाता था, जो कालांतर में जाकर पंढरपुर हो गया।